न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पत्रकारों से पंचायत चुनाव के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में 3 चरणों में पंचायतों के चुनाव संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में प्रथम चरण में विकासखंड हनुमना, मऊगंज तथा नईगढ़ी की 256 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा, जिसके लिए मतदान 25 जून को किया जाएगा। तो वहीं दूसरे चरण में विकासखंड रीवा, रायपुर, करचुलियां तथा गंगेव की 284 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, इसके लिए मतदान 1 जुलाई को होगा। तो वहीं तीसरे चरण में विकासखंड सिरमौर तथा जवा और त्योथर की 280 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा, जिसके लिए मतदान 8 जुलाई को संपन्न होगा। तीनों चरणों के चुनाव की अधिसूचना 30 मई को जारी की जाएगी। इस दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हो जाएगा। पंचायत निर्वाचन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना मीडिया के सहयोग से मतदाता तक पहुंचेगी। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव तथा कानून और व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना सभी पत्रकार साथी अवश्य उपलब्ध कराएं, उन पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारियां तथा निर्देश आपके माध्यम से लगातार मतदाताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने चुनाव की आदर्श आचरण संहिता, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की संपत्ति विरूपण अधिनियम धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों, नामांकन पत्र दाखिल करने, घोषणा पत्र तथा शपथ पत्र, मतदाता सूची एवं मतदान केंद्र की जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रीवा का मीडिया बहुत जागरूक है, मीडिया के माध्यम से हमें प्रतिदिन कई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। निर्देश है जो प्रभावी हुई आचार संहिता की जानकारी है, उन सबकी हार्ड कॉपी आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। मूल जो बातें हैं वो हम लोग शेयर भी कर रहे हैं कि ऐसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, आदर्श आचरण संहिता ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो गई है। सभी जनप्रतिनिधियों को जो पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको, और जो लोग इलेक्शनियरिंग में लगे हुए हैं उन सभी को ये निर्देश, जिनमें वो जनपद पंचायतें हैं उनके चुनाव की तिथि 25 तारीख को है पहले चरण की, दूसरे चरण की 1 जुलाई को है और तीसरे चरण की 8 जुलाई को। चुनाव का समय प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक है। चुनाव के तत्काल बाद मतगणना उन्हीं केंद्रों पे हो जाया करेगी जहाँ पर चुनाव हो रहा है। सभी मतदान जो है मतपत्र से होंगे ग्रामीण क्षेत्र के, और उसके बाद फिर विकासखंड मुख्यालयों पर जो मतगणना करनी है उनकी तिथियाँ तय की गई है 28 है। मतदान केंद्र में कोई मतदान केंद्र एक लोकेशन का है तो 2-3 तो हम लोग लोकेशन वाइज फोन कराएंगे। साथ ही साथ पेट्रोलिंग पार्टी में हम लोग जो हमारे नायब तहसीलदार हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं हमारे टीआई हैं, वो इस प्रकार रहेंगे कि ज्वाइंट रहे हमारा मूवमेंट, एक साथ 2 गाड़ियाँ मूवमेंट करें, कहीं कोई ऐसा समस्या आती है तो उसको आराम से हैंडल कर सकें। जो बॉर्डर एरिया रहेंगे यूपी बॉर्डर वाले, हम लोग इलेक्शन के पहले उसको वहाँ पर चेक पोस्ट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के जिले हमारे सीमावर्ती जिले हैं उनके एसपी साहबान और कलेक्टर साहबान से भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों ने प्लानिंग की है चर्चा करने की और उनके फोर्स का बॉर्डर पर सहयोग लेने की। इस प्रकार हम लोग पर्याप्त तैयार है और पूरा जिला प्रशासन टीम के रूप में चुनाव कराने के लिए तैयार है। आप सबका सहयोग सरकार बंधुओं का, विभिन्न राजनीतिक दलों के मेम्बर्स का, प्रेक्षित है। धन्यवाद।